व्यवस्था विवरण अध्याय सात। व्यवस्था विवरण अध्याय सात। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाएगा, और तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नाम बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी सातों जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरे रीति से नष्ट कर डालना, उनसे न वाचा बांधना और न उन पर दया करना और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना और न उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुझ पर भड़क उठेगा और वह तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नाम मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देश के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह हजार पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता रहता है, और जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय वह विलंब न करेगा, उसके देखते ही देखते उससे बदला लेगा। इसलिए अब आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूं मानने में चौकसी करना, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा को पालेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाखमधु और टट्टे के तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय, बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वंश होगी, और तेरे पशु में भी ऐसा कोई न होगा, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेगी, और देश देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, तू उन सबों को सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि न करना और न उनके देवताओं की उपासना करना,
नहीं तो तू फंदे में फंस जाएगा। यदि तू अपने मन में सोचे कि वे जातियां जो मुझसे अधिक हैं, मैं तो उनको क्योकर देश से निकाल सकूंगा, तो भी उनसे न डरना। जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से और सारे मिस्र से किया, उसे भलीभांति स्मरण रखना। जो बड़े बड़े परीक्षा के काम तूने अपनी आंखों से देखे, और जिन चिन्हों और चमत्कारों और जिस बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको निकाल लाया, उनके अनुसार तेरा परमेश्वर यहोवा उन सब लोगों से भी जिनसे तू डरता है करेगा। इससे अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा उनके बीच बर्रे भी भेजेगा, यहां तक कि उनमें से जो छिपकर बच जाएंगे वे भी तेरे सामने से नाश हो जाएंगे। उनसे भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, और वह महान और भययोग्य परमेश्वर है। तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा, तो तू एकदम से उनका अंत न कर सकेगा। नहीं तो बनेले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तुझसे हरवा देगा, और जब तक वे सत्यानाश न हो जाए तब तक उनको अति व्याकुल करता रहेगा, और वह उनके राजाओं को तेरे हाथ में करेगा, और तू उनका भी नाम धरती पर से मिटा डालेगा। उनमें से कोई भी तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा, और अंत में तू उन्हें सत्यानाश कर डालेगा। उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियां तुम आग में जला देना। जो चांदी व सोना उन पर मढ़ा हो उसका लालच करके न ले लेना, नहीं तो तू उसके कारण फंदे में फंसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में घृणित है, और कोई घृणित वस्तु अपने घर में न ले आना, नहीं तो तू भी उनके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना और उसे कदापि न चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है।